हाँ तो गाइज, अगर आप भी Realme C35 फोन यूज करते हो तो आपके फोन में एक नया अपडेट आया होगा Android 13 का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फोन में Android 13 का अपडेट नहीं आया है, Android 12 का अपडेट आया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस कुछ दिन तक वेट कर लेना है। आप जैसी कुछ दिन वेट कर लेते हो तो आपके फोन के अंदर Android 13 का अपडेट आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब आप Android 13 का नया अपडेट कीजिएगा तो आपको कौन कौन सा फीचर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ दो फीचर, जो कि काफी दोनों फीचर कमाल का है, जो कि Android 13 में आने वाला है Realme C35 फोन के अंदर अपडेट में। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरीके से कॉन्टेंट हरदम लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोग के कॉमेंट के अनुसार ही वीडियो ला दूंगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। फोन को अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फोन के डिस्प्ले पे थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हो ना, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों ये पहले नहीं था, अब आ चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहां पे आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, वो क्या है कि आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला फीचर काफी नया है। इसमें क्या है कि दोस्तों आप दिन भर में कितना कदम चले हो, एक दिन में आप कितना कदम चले हो और कितना किलोमीटर चले हो, सिंपली दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो। पहले दोस्तों क्या होता था, घड़ी में दिखाता था, लेकिन दोस्तों अब आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हो कि आज आप कितना दिन भर में कितना किलोमीटर चले हो, सब कुछ दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो। तो जो सेकंड फीचर है, उसके लिए दोस्तों आप लोग को फोन का सेटिंग ओपन करना है, और जैसे आप अपने फोन का सेटिंग ओपन करते हो ना, तो आप लोग जैसे थोड़ा सा नीचे आना है, अब नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, जो कि दोस्तों पहले नहीं था। और अब जैसे इसको ओपन कीजिएगा और यहां पे प्राइवेसी पे आइएगा, तो आपको ऐप लॉक, ऐप हाइड और यहां पे प्राइवेसी सेफ का ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों ये Realme C35 के जो नया अपडेट आएगा Android 13 का, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों यही था Realme C35 में कुछ नया फीचर। तो दोस्तों आप लोग को ये दोनों में से कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरीके से Realme से हर जुड़ी खबर आप लोग तक पहुंचाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।